रोडवेज बस में मनमाना किराया वसूल किए जाने का आरोप। वहीं जनपद रामपुर से बरेली तक रोडवेज बसों में अधिक किराया लेने की शिकायत एक यात्री ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराई। वहीं कटकुइया मोहल्ला निवासी मोहम्मद जिशान ने जनसुनवाई पोर्टल पर की शिकायत में आरोप लगाया कि रामपुर से बरेली की दूरी अगर बस सैटेलाइट अड्डे पर जाए तो 71 किलोमीटर बनती है। रोडवेज का किराया गणना सारणी के मुताबिक 92 रुपए का टिकट बनता है, जिसमें टैक्स और टोल प्लाजा का टैक्स शामिल होता है। वहीं अगर बस पुराने बस अड्डे उनका चौराहे से किला पुल होकर अंदर से जाती है तो 62 किलोमीटर की दूरी बनती है, जिस पर भी किराया 92 रुपए लिया जाता है। इसको लेकर ही मोहम्मद जिशान ने जनसुनवाई पोर्टल पर यात्रियों से ज़्यादा किराया वसूले जाने की शिकायत की है। ARM कपिल वारसे ने बताया कि बाईपास होकर पुराने बस अड्डे जाने पर 92 किराया लिया जाता है तो बस सैटेलाइट तक जाती है उसका किराया 87 रुपए लिया जाता है। सर, प्रकरण इस प्रकार है कि 14 सितंबर 2021 को मैं रामपुर से बरेली रोडवेज बस के जरिए गया था, जिसमें मुझे परिचालक महोदय ने 92 रुपए का हस्तलिखित टिकट जारी किया, जो इस प्रकार है। इसमें आप देख सकते हैं कि परिचालक महोदय ने 92 रुपए का टिकट बनाया है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और ये टिकट की वैल्यू जो है 10 रुपए तक की टिकट की वैल्यू होती है, यानी कि इससे ऊपर का टिकट आप नहीं बना सकते इस टिकट पर। लेकिन महोदय ने 92 रुपए का टिकट मुझे इस टिकट पर जारी करके दिया है, तो इस संबंध में मैंने जनसुनवाई पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज, जो इस प्रकार है कि महोदय कृपया बताएँ, परिचालक महोदय ने 10 रुपए की वैल्यू के टिकट पर 92 रुपए का टिकट क्यों काट कर दिया। दूसरी बात यह कि बस को जब आप सैटेलाइट बस स्टैंड पर लेकर जाते हैं तो रामपुर से बरेली की दूरी 71 किलोमीटर बनती है। इसी प्रकार अगर आप सीवीगंज से होते हुए केला पुल से निकालकर अगर आप लेकर के जाएंगे बस को तो 62 किलोमीटर की दूरी बनती है। और उस दिन परिचालक महोदय ने बस को शहर के अंदर से लेकर गए, जिस प्रकार 62 किलोमीटर दूरी बनी, ना कि 71 किलोमीटर, तो परिचालक महोदय ने 92 रुपए का टिकट क्यों लिया। इस संबंध में जब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय बरेली से शिकायत की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि डिपो प्रभारी व लेखाकार को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, मगर महोदय आपके दिशा निर्देश जारी करने से ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि वास्तविक किराया बरेली से रामपुर या रामपुर से बरेली का कितना है। तो मेरी मांग यही है कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय स्पष्ट करें कि रामपुर से बरेली या बरेली से रामपुर का आधिकारिक किराया कितना है, से यात्रियों के मन में उत्पन्न हो रही असमंजस की स्थिति को दूर किया जा सके, क्योंकि अन्य डिपो की तुलना में रोहिलगंज डिपो के बस के किराया काफ़ी अधिक है।